आकलन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं आकलन टू की एक मैथ प्रैक्टिस सेट का। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपका यहां पर होने वाला है। आकलन वन में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, आकलन वन के प्रश्नों के आधार पर आकलन टू की तैयारी हम लोग अभी से शुरुआत कर चुके हैं। आपकी तैयारी कैसी है नहीं है इसको जानने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सेट लगाना बहुत जरूरी है। और यहां पर एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हुए हैं, एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस सेशन में। पहला प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर है, देखिए, एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है? कौन सा संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है, या परिमेय संख्या है, या शून्य है? कौन सी संख्या है आप सभी को बताना है। यहां पर देखिए संख्या दिया हुआ है 6q+5, 6q+5। यहां पर क्या है? 6q+5। देखिए ये जो q है यहां पर आप एक बैठा के देखिए ये संख्या क्या निकलती है, 6 कम 6, 6 और 5 11। दो बैठा करके देखिए 6 दूना 12, 12 5 17। 3 बैठा करके देखिए जहां पर q है वहां पर 1 2 3 बैठा करके हम लोग देखेंगे, 6 3 18, 18 5 23। अब इसी तरह से जब आप बैठाते जाएंगे तो एक चीज आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए 1 बैठाए 11 आया जो हमारा विषम संख्या है, 11 क्या हुआ? विषम संख्या। 17 हमारा विषम संख्या, विषम संख्या। 23 हमारा विषम संख्या। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम बैठाते जाते तो ये टोटली पूरा हल होकर के विषम निकलेगा। प्लस के बाद यदि सम संख्या है तो आपका ये सम बनेगा, सम बनेगा। जैसे देखिए 6q+4, यहां पर 4 सम संख्या है तो यहां पर 1 2 3 कुछ भी बैठाएंगे बार बार आपका सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या निकलेगा। तो प्लस के बाद कौन सी संख्या है ये आपको देखना है, उतनी लंबी प्रोसेस आपको नहीं करनी है। यदि यहां पर विषम है तो विषम होगा, सम है तो सम होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 120 = 2x × 3^1 × 5^1 है तो x का मान क्या होगा? यहां पर 120 दिया हुआ है, 120 को तोड़िए 60 हुआ, फिर से तोड़िए 30 हुआ, फिर से तोड़िए 15 हुआ, फिर से तोड़िए 5 हुआ। यहां पर देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 यानी 2 × 3 हुआ, जोड़ जोड़ नहीं गुना होगा, गुना। 3 कितना बार है, 3 है 1 बार। 5 कितना बार है, 1 बार। अर्थात जो x दिया हुआ है x के जगह हमारा यहां पावर में होना चाहिए, पावर में तो 3 हो जाएगा, x पर पावर यानी 2 पर पावर 3 हो जाएगा। 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3।
दो कितने बार आया है? तीन बार आया है, मतलब दो का पावर तीन। तो x के जगह आपका तीन आंसर होगा। x के जगह कितना आंसर होगा? तीन होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से तोड़िए, तोड़ने के बाद सभी का पावर लगाइए और जिसका पावर कह रहा है उस पावर को खोज के निकाल दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, तुरंत थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रामनवमी ऑफर स्टार्ट हो चुका है और इस रामनवमी ऑफर में फी में लगभग 50% तक की छूट दिया गया है। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, ये जो दिया गया नंबर है इस पर आप कॉल करके और हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि यह द्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए अब हमको बताइए भाज्य बराबर क्या होता है, ये दोनों को गुना करते हैं, गुना करते हैं और शेषफल को क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं, शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां पर ये बराबर देखिए दोनों को गुना करके शेषफल को रिमाइंडर को जोड़ दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या है ये, कौन सी संख्या है? देखिए थोड़ा सा हम आप सभी से बात भी करना चाहते हैं, आप सभी जान रहे हैं 16 मार्च को जेटेट नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुका है, कैबिनेट से स्वीकृति जेटेट की मिल चुका है, पहला बात। दूसरा बात, आप लोग पेपर के माध्यम से बार बार देखते होंगे कि आकलन टू लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होगा। अब देखिए दोनों जो एग्जाम हैं आपका लगभग एक साथ होने का रहेगा, जेटेट भी चूंकि इसका कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है और आकलन भी, जब दोनों एक साथ आगे पीछे थोड़ा सा होगा तो यहां पर आप लोगों के पास तैयारी करने का समय बहुत कम होगा, तैयारी करने का जो समय है बहुत कम होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आपके बारे में हम बोलना चाहते हैं, प्रश्न तो बनाएंगे ही लेकिन थोड़ा सा हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए जितने भी आप सभी हैं सभी पारिवारिक जीवन में हैं, सभी पारिवारिक जीवन में हैं, सभी के पास घर का काम है, सभी के पास स्कूल का काम है, अब देखिए उम्र का भी तगाजा है, उम्र भी बढ़ गया है, अब ऐसी स्थिति में लोगों को पढ़ने का मन करेगा क्या? यहां पर पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है और क्या, जेटेट में आपको 60% लाना है, जेटेट में 60% लाना है,
मतलब 150 का प्रश्न है तो 90 आपको लाना है, 90 प्रश्न सही करना है। देखिए आप लोग पढ़ने में कमजोर नहीं है, बहुत सारे अपने लाइफ के टॉपर हैं, स्कूल कोई टॉपर है, कोई जिला टॉपर है, बहुत सारे लोग, लेकिन पारिवारिक जीवन, लोगों का जो घर का काम है, विद्यालय का काम है, समय का अभाव है, जिसके चलते लोग पढ़ भी नहीं पाते, पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। जो टॉपर्स थे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जब अच्छा दूसरा क्या होता है, बहुत सारे लोग 1-5 में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग 6-8 में पढ़ा रहे हैं, इनको उच्च क्लास का किताब पढ़ने को मिल नहीं पाता है, उच्च क्लास की किताबें पढ़ने को मिल नहीं पाता है, और एग्जाम में आपका आएगा उच्च क्लास का, उच्च क्लास का एग्जाम में आएगा। ऐसी स्थिति में क्या है, तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाता है। आपकी यह समस्या है, यह जो समस्या है यह आपकी समस्या है, और आपको जेटेट भी पास करना है। यदि जेटेट पास करते हैं और सहायक आचार्य बनते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलता है, बुढ़ापे का लाठी होता है पेंशन, और इस पेंशन के लोभ के लिए आप पढ़ेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप सभी ने आकलन एग्जाम देने के लिए बहुत मेहनत किया था। और जो लोग आकलन एग्जाम में बढ़िया तैयारी किया, 90 से अधिक प्रश्न को लाया है, 90 से अधिक परसेंटेज मतलब 90 अंक से ज्यादा लाया है, 60% से ज्यादा लाया है। बहुत सारे लोग जो हमारे पास बढ़िया से रेगुलर से क्लास कर रहे थे, नाम गिनाने लगेंगे तो बहुत नाम हो जाएंगे। जो 60% से ज्यादा अंक लाया है आकलन में, तो आकलन का जो एग्जाम था उसी लेवल का जेटेट का होगा। जब आप आकलन में 60% लाए तो जेटेट में नहीं ला पाएंगे क्या, वहां पर भी आप लाएंगे। तो आप लोगों को जिनकी उम्र अभी कुछ बचा हुआ है, वो आकलन की तैयारी और जेटेट की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये सब जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आपको दोनों में काम देगा, दोनों में काम देगा, जेटेट भी आपको काम देगा, आकलन में भी काम देगा। तो हमारा विचार है आप लोग क्लास में लगे रहिए, क्लास में लगे रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। यदि आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से जेटेट को पास करेंगे। जेटेट पास कराना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम अभी डेली एक क्लास, दो क्लास नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक क्लास, कम से कम एक क्लास डेली करिए, रेगुलर पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से जो आप भूल चुके हैं, जो अर्ध चेतन मन में जा चुका है, वो फिर से चेतन मन में आपका सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए 5+2√3 है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा यह परिमेय है, यह परिमेय है, यह परिमेय और परिमेय, यह परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो बन जाता है यह परिमेय, क्या चीज बन जाता है, यह परिमेय संख्या बन जाता है, यह परिमेय संख्या बन जाता है, तो एक यह परिमेय संख्या है। रूट नहीं टूटेगा किसी भी तरह से, रूट नहीं हटेगा, तो वो हमारा बन जाएगा यह परिमेय संख्या, क्या बन जाएगा, यह परिमेय संख्या। अगला प्रश्न, शून्यक, देखिए शून्यक निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला से जल्दी चलेंगे, BXY-4AC इसको फिर से +-√D ऐसे कर करके और √2a, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा, यथवा इसको गुणनखंड करके शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं गुणनखंड करके, गुणनखंड करके। तो बहुत सारे लोग गुणनखंड करने भूल चुके हैं, उसको याद नहीं दिलाना चाहते हैं,
हम दूसरा विधि आपको ऑप्शन से, कहां से, जो ये ऑप्शन है ऑप्शन से बनाने का हम सिखा रहे हैं। ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पहले दिया हुआ माइनस टू, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर माइनस टू देते जाइए, जहां जहां पर आपका एक्स है वहां वहां पर माइनस टू देते जाइए, यहां पर एक्स है यहां पर माइनस टू, माइनस टू माइनस, यहां पर भी एक्स है यहां पर भी माइनस टू, माइनस आठ, माइनस दो का वर्ग करेंगे, माइनस दो का वर्ग करेंगे चार होगा, माइनस दो और माइनस दो को गुना करेंगे चार होगा, और माइनस आठ यहां पर जोड़ेंगे चार चार आठ में आठ घटाएंगे जीरो हो गया, मतलब माइनस दो हमारा एक आंसर होगा, माइनस दो एक आंसर होगा। इसमें माइनस दो नहीं है, इसमें माइनस दो नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है। अब रह गया इसमें दोनों में माइनस दो दो है तो कौन सा आंसर सही होगा, तो इसके लिए अब माइनस दो बैठाए थे, अब चार बैठाइए। अगर क्या करना है, चार को बैठाएंगे, चार को बैठाएंगे, जहां पर x है वहां पर चार बैठाएंगे, चार का वर्ग माइनस चार गुने यहां दो है, दो गुने चार माइनस आठ, चार का वर्ग करेंगे सोलह, माइनस आठ माइनस आठ, सोलह माइनस सोलह बराबर जीरो, यहां पर भी जीरो आ गया, मतलब आपका पहला ही आंसर हो गया, यहां से भी जीरो और यहां से भी जीरो। जब जीरो जीरो आ जाए तो समझिए इसका हल है या इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। तो ये राइट आंसर आपका है, ये राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, यहां पर प्रश्न है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आपको बताना है कितना होगा। बताइए शून्यकों का योगफल कितना होगा। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताएंगे जल्दी से। देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दो चीजें होता है, योग होता है और गुणनफल होता है। योगफल, योगफल इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, और गुणनफल, गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। योगफल माइनस यहां लगा हुआ रहेगा बी बटे ए, गुणनफल में माइनस नहीं है, सी बटे ए, सी बटे ए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए ये बी और ये सी हो गया, हमको योगफल वाला निकालना है, तो माइनस पहले से दिया हुआ है, हम माइनस यहां पर लिख दिए, बी का मान बी के जगह कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है, माइनस एक, माइनस एक क्यों लिखे, दो गो माइनस क्यों लिखे, एक माइनस फार्मूला का और एक माइनस यहां का, दो माइनस हो गया, दो माइनस हुआ, एक फार्मूला का माइनस और एक माइनस यहां जो दिया हुआ उसका। उसके बाद ये के जगह है तीन, ए के जगह तीन, अब माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, यहां पर तीन, एक बटे तीन आपका आंसर पहला हो गया, एक बटे तीन पहला आंसर। ठीक है, चलिए कहते दो रैखिक समीकरणों के आलेख
समानांतर रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म का देखिए तीन चीजें होता है। एक होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को काटता है। दूसरा होता है समानांतर, जो कभी मिलता नहीं है, जो कभी मिलेगा नहीं। और तीसरा होता है संपाती, मतलब एक के एक ये हुआ और इसी के ऊपर, इसी के ऊपर में दूसरा जा रहा है, इसी के ऊपर। इस तरह से अब यहां पर देखिए जो प्रतिच्छेद कर रहा है उसका एक हल होगा, अद्वितीय एक हल, इसका एक हल होगा। जिस पर एक दूसरे पर जा रहा है इसका अनेकों अनेक हल होगा, या परिमित रूप से अनेक हल। और जिसका कहीं मिल नहीं रहा है, समानांतर है, उसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब क्यों क्यों ऐसा हुआ? देखिए जिस बिंदु पर कटता है वही इसका उत्तर निकलता है। तो जब प्रच्छेदी प्रतिच्छेदी हो रहा है तो यहां पर एक बार कटा तो अद्वितीय हल हो गया। इसमें देखो हर जगह कट ही रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर है, एक दूसरे पर है तो अनेकों बार कट गया, इसलिए इसका अनेक हल हुआ। लेकिन इसमें कहीं नहीं कटा, यह भी सीधे रेल की पटरी जैसा और ये भी सीधे रेल की पटरी का जैसा एक दूसरे से समानांतर चलते गया, कहीं कटा ही नहीं, तो हल होगा कैसे? कटेगा तभी हल होता है। तो समानांतर रेखाएं जब होगा तो कोई हल नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है, समानांतर रेखा का कोई हल नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन यदि दिया हुआ रहेगा तो आप ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं, यदि ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप एक्स एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। देखिए यदि x का मान निकालना है, x का मान तो दोनों को जोड़ करके आधा, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे x का मान, तो 14 का 14 4 18 18 का आधा 9, x का मान 9 पहला वाला। y में घटाव है, यहां पर घटाव दिख रहे हैं, जब घटाव है तो घटा करके आधा, 14 में 4 घटाएंगे 10, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5। एक ये तरीका हुआ। अथवा दूसरा तरीका है इसको बैठा करके हल करने का। x के जगह 9 बैठाइए और y के जगह 5 बैठाइए, 14 आता है कि नहीं? 9 और 5 14 आ गया। या पिछलका में भी बैठाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, x के जगह 9 और y के जगह 5, 9 में 5 घटेगा 4 बराबर 4। तो ऑप्शन बैठा करके भी आप आंसर ला सकते हैं, या समीकरण 1 और 2 मान करके भी आंसर ला सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों को कहेंगे कि ऑप्शन यदि दिया हुआ रहेगा तो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है
इसको यहां पर बिठाइएगा, सबसे ज्यादा आसान होगा, सबसे ज्यादा आसान होगा। चलिए अगला प्रश्न, अद्वितीय हल होने के लिए देखिए यहां पर दो समीकरण चाहिए था, कितना समीकरण, दो समीकरण, टाइपिंग में मिस्टेक है, एक और समीकरण नहीं दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहां पर भी आपको वही काम करना है, कहता है हल क्या होगा, क्या करेंगे, x का मान x के जगह बैठा दीजिए, y का मान y के जगह बैठा दीजिए, देखिए हल करके चार आता है या नहीं, x के जगह एक बैठाएंगे तो पांच एकम पांच, y के जगह माइनस एक बैठाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो पांच और प्लस तीन आठ हो गया, यानी आपका पहला आंसर नहीं हुआ, पहला आंसर नहीं हुआ। अब दूसरा बैठाइए, x के जगह दो तो पांच और दो को गुना करेंगे दस हो गया माइनस, y के जगह माइनस दो तो माइनस दो, यहां पर भी माइनस दो बैठाएंगे, माइनस तीन गुना माइनस दो, माइनस माइनस प्लस छ, प्लस छ, यहां पर भी ये सोलह हो गया और ये चार हो गया, नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं, ये दोनों आंसर आपका नहीं हुआ, ये दोनों आंसर आपका नहीं हुआ, दोनों आंसर नहीं हुआ। अब चलिए आगे बैठाते हैं, x का मान तीन, पांच तिया पंद्रह, y का मान जीरो, ये कुल टोटल हो गया जीरो, यहां पर भी नहीं आया। अब ये निश्चित रूप से होगा, क्यों देख लीजिए, बचा यही, क्योंकि ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तब तो यही वाला आंसर होगा। अब x के जगह माइनस तीन बैठाइए, माइनस तीन, माइनस तीन मतलब पांच तिया माइनस पंद्रह, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है कहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर यदि माइनस नहीं रहता तो ये आंसर हो जाता, माइनस नहीं रहता तो, क्योंकि तीन दुना छ दस में छह घटाएंगे, दस में छह घटाएंगे तो चार हमारा हो जाता, दस में छह यदि माइनस नहीं रहे तो यही हमारा आंसर हो जाता, एक्स बराबर भी दो और वाई बराबर भी दो। कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए द्विघात समीकरण, लाइट कट चुका है इसलिए हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे ज्यादा दूर तक, क्योंकि आपका अचानक कट जाएगा, अचानक से ये कट जाएगा, ठीक है। ये अब द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण में पावर टू रहना चाहिए, पावर टू रहना चाहिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे पावर टू, इसको भी गुना करेंगे पावर टू, ये इसको या तो इधर करिए या तो उधर ले जाइए, तो हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसी तरह से ये भी पावर टू और ये भी पावर टू,
इसको या तो इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, ये भी नहीं होगा। तो यही होगा क्योंकि इसका पावर 2 हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको इधर सब ले आएंगे तो हमारा एक्स का जो पावर है वो हटेगा नहीं। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे आज नहीं बताएंगे, चलते चलते जो आज का रामनवमी ऑफर है 16 से 19 तारीख तक का, 16 से 19 तक है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 9142463354 54, ये पूजा मिस कॉल रिसीव करेंगी और जो भी जानकारी आप चाहते हैं यहां से आपको मिल जाएगा। 50% के लगभग अप टू 50% तक यहां पर आपको छूट देखने को मिलेगा, 50% तक, ठीक है। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं, कल फिर हम लोग मैथ के ही सेशन में चलेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को थैंक यू, जय हिंद।